छुड़ने के दौरान कर्क लगने से एक युवक की मृत्यु। खेत से 33,000 की तार दौड़ रही थी, आम के पेड़ सटने से यह घटना हुई। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। अशोक कुमार ठाकुर, तेघड़ा, बेगूसराय। तेघड़ा थाना क्षेत्र के गौरा एक पंचायत के वार्ड संख्या 2 सहजादपुर टोला में एक युवक आम की गाछी में आम चुनने के लिए बुधवार की सुबह लगभग 8 बजे अपनी मां के साथ गया था। खेत के बीचों बीच 33,000 की तार गई हुई थी, जो काफी लुंज पुंज अवस्था में है, जिसमें आम का पेड़ का टहनी बिजली की तार की संपर्क होने की वजह से आम की गाछी में आम चुन रहे युवक के द्वारा आम का पेड़ में सटने से कर्क लगने की वजह से युवक मूर्छित होकर गिर गया। साथ में गई मां के द्वारा हल्ला करने पर अगल बगल के गाछी में स्थित लोगों ने दौड़ कर आया और मूर्छित युवक को स्थानीय डॉक्टर से दिखाए, जिसे डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा तेघड़ा थाना को दी गई। तेघड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बेगूसराय भेजा। मृत युवक की पहचान गौरा एक पंचायत वार्ड संख्या 2 सहजादपुर टोला निवासी रंजीत कुमार राय के 28 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार उर्फ राजा के रूप में हुई। मृतक नीतीश कुमार दो भाई में बड़ा था। मृतक शादीशुदा था, दो लड़की और एक लड़का है। मृतक अपना टेम्पो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक के पिता छोटे किसान है। गोरा एक पंचायत में हुए इस घटना पर पंचायत के पूर्व मुखिया और मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष हेमंत कुमार व भाजपा नेता मनोहर कुमार, पैक्स अध्यक्ष प्रीतम कुमार एवं ठेकेदार रोशन कुमार ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा बिजली विभाग की नाकामी की वजह से यह घटना हुई है। 33,000 की तार जब खेतों से दौड़ रही है तो विभाग कहां सोया हुआ था। उन्होंने बिजली विभाग के पदाधिकारी से मृतक को मिलने वाली सहायता राशि देने का आग्रह किया और गौरा एक पंचायत स्थित बीच खेतों से 33,000 तार को तुरंत ठीक करने को कहा है, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो।